हमारी स्टेटहुड, उसके लिए मैंने जो जिद्दोजहद की थी पार्लियामेंट में जब 370 तोड़ा था, सुनी थी किसी ने स्पीच, हाथ खड़े करो। तो उसके बाद मैंने 4-5 और तकरीरें की जो मैं इलेक्शन में भेजूंगा, सुनी नहीं। उसमें जब तक पार्लियामेंट में गवर्नमेंट से मैंने मिलवाया नहीं स्टेटहुड, तब तक छोड़ा नहीं। वो स्टेटहुड आएगी। बहुत सारी सियासी पार्टियां हम पर इल्जाम लगाती कि हम बीजेपी की भी टीम, लेकिन इल्जाम लगाने वाले ए टीम है। ये मुझसे पूछे बीजेपी की हुकूमत में, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में मंत्री मैं था या कोई और था? कौन था? अब ए टीम कौन हुआ? ये बताइए, मोदी साहब की बीजेपी की हमायत से कौन दो चीफ मिनिस्टर थे? अरे भाई मुफ्ती साहब और तो ना मैं उनका एमपी ना उनका मंत्री है। अब मोदी साहब रोए जब हम पार्लियामेंट से निकले, तो अच्छे के लिए कोई रोता है, बेईमान के लिए तो कोई रोता नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए जो बीजेपी से मिले हैं वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, वो है ताकि उनकी तरफ किसी को इशारा नहीं मिले। तो इसलिए बात अफवाहें फैलाएंगे लोग जिनकी दाढ़ी में तिनका, दाढ़ी में तिनका हमें छठी क्लास में पढ़ाया था, दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, छठी में मजा। तो इसलिए जिनकी दाढ़ी में तिनका होगा, चोर होगा, वो ज्यादा शोर मचाएंगे। मैं कोई शोर मचाने वाला नहीं, मैं सिर्फ इलेक्शन में कहूंगा मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है। टूरिज्म को फरोग देने के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान रोजगार करेगा, भद्रवाह में टूरिज्म किया, कश्मीर में टूरिज्म किया, यहाँ लाल दर्मन के लिए ये सड़क एक साल में बनाई और 17 साल लगे। डीसी साहब को मैं मुबारक देता हूँ, किसी लीडर ने नहीं पहुंचाई, उसने 5 किलोमीटर पिछले 3-4 महीने पहुंचाई। कि इस रियासत की अगर तामीर और तरक्की चाहते हो, अगर डेवलपमेंट चाहते हो, बेकारी खत्म करना चाहते हो, बेरोजगारी खत्म करने चाहते हो, गुर्बत खत्म करना चाहते हो, जहालत खत्म करना चाहते हो, तो आगे बढ़ो, हमसे 10 कदम आगे बढ़ो। मैं पिछले 1.5 साल तकरीबन 500-600 पब्लिक मीटिंगें की, मैं चाहूंगा क्या भी नहीं आने वाले घूम में गांव-गांव में आप मीटिंग करें। एक आदमी गांव-गांव में नहीं पहुंच सकता। और इस चुनाव वैली या इस रियासत का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, देहात में रहने वाला हो, कस्बे में रहने वाला हो, चार शहर में रहने वाला हो, मेरे लिए सब बराबर है।